हेलो एवरीवन। सो आजकल लॉकडाउन के बाद हम लोगों को मोस्टली बहुत सी जगह पे चोको चिप्स ही नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो पहले जो पैकेट हम लोगों को 20-20 रुपए में मिलते थे, अब 40 और उससे ज़्यादा में मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चोको चिप्स में होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको होता है कि आप चॉकलेट कैसे मेल्ट करोगे। अगर आपको चॉकलेट मेल्ट करने आ गया है तो आप इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो चॉकलेट के साथ। चॉकलेट को मेल्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर है ना, मैंने वाइट चॉकलेट ऑलरेडी मेल्ट किया हुआ है, इसको मैंने अवन में किया है। वाइट चॉकलेट को मेल्ट करना जो होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप डार्क चॉकलेट के साथ बहुत इजीली काम कर सकते हो, लेकिन मिल्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट जो होती है थोड़ी सी ट्रिकी होती है। आप कभी भी मिल्क चॉकलेट को कांच के बाउल में मेल्ट नहीं करोगे, इसे कंपलसरी आप प्लास्टिक में करोगे। आप अगर कहीं देखते होंगे यूट्यूब पे कर रहे हैं कांच में, तो वो सही नहीं है, उससे आपका बहुत जल्दी चॉकलेट जलने के चांसेस होते हैं। वाइट चॉकलेट ना, आप डार्क चॉकलेट को ईजीली, मिल्क चॉकलेट को ईजीली आप कैसे भी कर सकते हो, बट हमेशा वाइट चॉकलेट को आप प्लास्टिक के बोल में ही मेल्ट करोगे, इससे आपका चॉकलेट नहीं जलेगा। ओके, आप कैसे करोगे, माइक्रोवेव में चॉकलेट छोटे छोटे पीस कर लीजिए, बेटर है, इसको डालिए। और चॉकलेट मेल्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट। ओके, सो इसको रख दीजिए और भूल जाइए, 1.5 मिनट के बाद आपका माइक्रोवेव जब बोलेगा तब निकालिए। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, छोटे छोटे चंक्स आपने डाल दिए इसमें, इसको रखोगे माइक्रोवेव में, 20 सेकेंड होगा, आप 20 सेकेंड के बाद इसको निकालोगे। जब आप निकालोगे तो आपको ऊपर से चॉकलेट के पीसेस वैसे ही दिखेंगे, बट आप उसको कंपलसरी स्टर करोगे। जब आप स्टर करोगे तो नीचे आपको कंपलसरी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेल्ट नहीं हो, नीचे आपको थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट ज़रूर मिलेगा। आप स्टर करोगे इस तरह से, एंड इसको वापस से 20 सेकेंड के लिए अवन में रखोगे। 20 सेकेंड के बाद आप इसको निकालोगे। मिनिमम जो माइक्रोवेव का टाइम होता है वो 30 सेकेंड होता है, तो आप 30 सेकेंड के लिए इसे नहीं छोड़ोगे, आप इसको 20 सेकेंड में वापस निकालोगे, फिर स्टर करोगे, फिर आप रखोगे, फिर 30 सेकेंड के बाद इसको स्टर करोगे। ओके, जब आप स्टर कर करके अपने चॉकलेट को मेल्ट करते हो तो आपके चॉकलेट में ऑटोमेटिकली शाइन आती है। आपको यहाँ पे किसी बटर की, किसी भी ऐसे शाइनी प्रोडक्ट को डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आप जब स्टर करते हो तब ऑटोमेटिकली इसमें आपको शाइन मिलेगी। ओके, सो आप चॉकलेट को इस तरह से मेल्ट करोगे 20-20 सेकेंड के इंटरवल में माइक्रोवेव में वाइट चॉकलेट को। ओके, डार्क चॉकलेट वेरी इजी टू हैंडल, मतलब अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो कंपलसरी आप कोशिश कीजिए कि आप चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के साथ काम करो। ओके, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कंपाउंड के लिए। अगर आप प्योर चॉकलेट इस तरह करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। प्योर चॉकलेट को टेम्पर करना पड़ता है और उसका बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं प्योर चॉकलेट का काम करता हूँ और प्योर चॉकलेट हम बनाते हैं और उसको इसी तरह रखते, सो प्योर चॉकलेट को आप अगर यहाँ पे इंडिया के वेदर के हिसाब से अगर करते भी हो मेल्ट, या रखते हो मेल्ट करके वापस बनाते भी हो, तो वो बहुत जल्दी वापस से मेल्ट होगा। आप थोड़ी देर के बाद उसे हाथ में लोगे तो वो आपके हाथ में चिपकेगा, आप उसे बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते हो, जस्ट इसलिए क्योंकि उसे जो बोलते हैं ना कि रूम टेम्परेचर पे रखेंगे चॉकलेट तो नहीं मेल्ट होगी, तो वर्ल्ड वाइड जो रूम टेम्परेचर माना जाता है वो होता है 18, और हमारे यहाँ इंडिया में 18 कभी होता ही नहीं है। सो हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग प्योर चॉकलेट के साथ काम करें। सो हम लोगों के लिए यही बच जाता है। बट आप जब गनाश बनाते हो अपने घर के लिए तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्योर चॉकलेट में बनाएं। अब जब कुछ गार्निश करना है, जैसे कि मैंने बेकर्स विला के पेज पे बताया है चॉकलेट केक बनाकर, तो आप उसमें उस तरह से गार्निशिंग या फिर आप ग्रेट करके आप प्योर चॉकलेट यूज़ कीजिए। प्योर चॉकलेट का जो टेस्ट होता है बहुत ही औसम होता है, उसमें कोको बटर होता है और इसमें वनस्पति होता है। सो कोको बटर की वजह से वो औसम होता है, आप जब खाते हो आपके मुंह में मेल्ट होता है और ये थोड़ा सा चिपक जाता है, बट स्टिल अच्छा होता है। मैं ज़्यादातर 2M कोकोवा का यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो मॉडे या जो भी आपको मिल जाए,
नाउ सबसे पहले हम लोग चॉकलेट मेल्ट कैसे करेंगे। सो ये इंडक्शन, इसको अभी मैं सबसे हाई पे रख दे रही हूँ। ओके, क्या करेंगे, पानी देखिए बहुत ज्यादा है कि मैं क्लोज कर रही हूँ। पानी आपको एकदम टॉप तक भर कर नहीं लेना है, ओके? आपको पानी थोड़ा नीचे ही रखना है और इस तरह का आप बर्तन इसके ऊपर रखोगे। नाउ ये कांच का है और ये जो है मेरा ये है हीट प्रूफ है, बोरोसिल का है तो मैं यूज कर सकती हूँ। अदरवाइज आप अगर इसको रख देते हो तो क्या होगा कि ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक आपका जो है ये गर्म की वजह से इस पर चिपक जाएगा और सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब भी चॉकलेट को यूज़ करते हो तो चॉकलेट का दुश्मन है पानी, आप पानी से एकदम दूर रखोगे। इसमें एक ड्रॉप भी अगर पानी गया तो आपका जो चॉकलेट है वो एकदम कर्डल हो जाएगा, आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। आपको ये चॉकलेट को शायद से कभी आप इसे गनाश बना भी सकते हो, बट आपको गनाश भी इसको छानना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फेंकना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे इस तरह रख देंगे, ओके? और ये चॉकलेट डाल देंगे और इसे आप कंपलसरी स्टर करते रहोगे, मिक्स करते रहोगे और आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट होते जाएगी। सो ये इस तरह, चॉकलेट पे जरा भी पानी नहीं जाना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल ध्यान से कीजिए कि चॉकलेट आपकी जरा भी पानी लगना नहीं चाहिए, बेकर्स विला के पेज पे हमने बनाया था डच केक, दैट वाज वेरी टेस्टी। ऑफ कोर्स मैंने भी अपने घर पे, मैं मोस्टली वही केक पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें हम लोग प्योर चॉकलेट एकदम अच्छे से यूज कर सकते हैं और मैं मोस्टली गनाश जो है अपने घर के लिए बनाती हूँ तो प्योर चॉकलेट में बनाती हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है कि आपको उसको टेम्पर करना पड़े, राइट? गैस को थोड़ा सा और पास कर लेते हैं और इसी तरह आप इसको मिक्स करते हुए, नीचे आपका पानी पकता रहेगा और इसी तरह चॉकलेट देखिए आपकी मेल्ट होने लगी है। अवन में बहुत ही जल्दी हो जाती है, बट मैंने सोचा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास माइक्रोवेव हो, तो थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह भी हम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सो चोको चिप्स जो होती है नॉर्मली बाहर है, अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको वो मिल जाती है 400 450 से भी ऊपर किलो की पड़ती है, जबकि ये नॉर्मल चॉकलेट से बनती है और आप इसे बहुत ही ईजीली बना सकते हो घर पर, आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। जितना आपका चॉकलेट है सेम आपकी चोको चिप्स बन जाएगी। तो ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, चॉकलेट मेल्ट होने लगी है। काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो गया है और नीचे जो पानी है वो अच्छे से गर्म है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो इंडक्शन है उसे ऑफ कर लूँगी और जितना गर्म पानी की हीट है उसी में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है और आप इसे स्टर करते रहोगे तो इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी, जो इसी तरह छोड़ देते हैं ना उसमें शाइन नहीं आती है। सो ये हो जाएगा, मैं इंडक्शन हटा दे रही हूँ और इसे इसी तरह हम करेंगे। कपड़ा रख लेते हैं। सो देखिए कितनी अच्छी तरह से चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गया है। बार बार बता रही हूँ, आप कंपलसरी स्टर कीजिए, आपको चॉकलेट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो शाइन करेगा और जो रियल चॉकलेट होता है वो बहुत ही अच्छा शाइन करता है, इसमें वो बात नहीं होती है, फिर भी ये अच्छा होता है। ऑब्वियसली चॉकलेट चॉकलेट ही होता है। सो ये देखिए हो गई है मेल्ट अच्छी तरह चॉकलेट। अब जो
बिल्कुल भी इस पे कहीं से भी पानी लगा नहीं है चॉकलेट को हमारी। इसे मैं एकदम अच्छे से साइड में करूंगी और इसे हटा देंगे पानी को। कंपलसरी आप इसको क्या करोगे, एक बार पोंछ लोगे। गलती से भी आपका अगर ज़रा सा भी पानी इसको लग गया तो आपकी सारी इतनी सारी जो चॉकलेट मेल्ट की है आपने, जो भी आपकी मेहनत है वो सारी हो जाएगी ख़राब। तो इसको आप एक बार साफ़ कर लीजिए इस तरह, ठीक है। देखिए परफेक्ट, ये हो गया है हमारा डार्क चॉकलेट, ये हो गया है हमारा वाइट चॉकलेट। ओके, अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से रेडीमेड जो आपका पाइपिंग बैग है आप वो यूज़ करोगे और आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। बट इतना बड़ा पाइपिंग बैग ज़रूरी नहीं है हमेशा हमको मिल जाए, सो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पार्चमेंट पेपर है, मैं छोटे से कोन बना रही हूँ। इस तरह से आप स्क्वायर ले लीजिए। ओके, ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। एक बन जाएगा हमारे वाइट चॉकलेट के लिए, एक बन जाएगा हमारे डार्क चॉकलेट के लिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे अंगूठा रखकर पकड़ोगे और इसको इस तरह से, चने की पूड़ी पता है नॉर्मली, उसी तरह से आप इसको, जो लोग मेहंदी लगाते होंगे उनको भी बहुत अच्छे से पता होगा ये। सो इसको धीरे धीरे आप इस तरह से गोल घुमाते जाइए। ओके, घुमा लिया आपने, ये जो एंड आया है यहाँ पे आप बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप इस तरह से इसे थोड़े से टेप से फिक्स कर दोगे। मेरे पास ये टेप बहुत ही बड़ा आ गया है, इतना बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आप लगा दीजिए। ओके, सो ये एक कोन रेडी हो गया। अगेन मैं आपको एक बार बता, चॉकलेट एकदम अगर आपकी बहती हुई है तो आप जब चोको चिप्स डालोगे तो वो एकदम फ्लैट हो जाएगी, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, डार्क चॉकलेट बाद में करती हूँ मैं, ये हल्की सी गर्म है अभी, सो इसे मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। और जो मेरी वाइट चॉकलेट है वो आ गई है रूम टेम्परेचर पे, सो मैं इसे अभी यूज़ करती हूँ, ठीक है। एक साथ आप बहुत ज़्यादा कोन में नहीं भरोगे। ओके, आप लोगों को समझ में आया चॉकलेट कैसे मेल्ट करना है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसे हाफ से भी कम फिल कर रही हूँ ताकि जब मैं इसको प्रेशर दूँ तो यहाँ से ये बाहर नहीं आए। और इस तरह से आप इसे यूँ और यूँ करके अच्छी तरह से ऐसे पैक कर दीजिए। यहाँ आपको टेप लगाना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, नाउ मैं अभी थोड़ा सा डार्क चॉकलेट भी फिल करके रख देती हूँ, ऑटोमेटिकली वो ठंडा हो ही जाएगा। सो इसे भी इसी तरह पोर कर सकते हो आप, या फिर आप स्पून की हेल्प से पोर कर सकते हो। स्टिल ये बहुत गर्म है क्योंकि कोन मुझे गर्म फील कर रहा है। ये जो आपका कोन है ये खुद ही बता देगा कि आपका चॉकलेट गर्म है या ठंडा है। ओके, सो इसे मैं इसी तरह खुला थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। नाउ क्या होता है, जब आप चॉकलेट ऐसे पोर करते हो तो यहाँ पे बहुत कम चॉकलेट है, मोस्टली ये हिस्सा बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो ऐसे कुछ होता है तो आप इस तरह प्रेस करोगे, और जिनके पास माइक्रोवेव है इसको माइक्रोवेव कर लोगे एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए, अगेन ये एकदम ठीक हो जाएगा। आप इसके ऊपर ब्लोअर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका हेयर ब्लोअर है उससे भी आप करोगे तो ये चॉकलेट आपकी वापस नरम हो जाएगी। नाउ इस तरह से आप एक पार्चमेंट पेपर लीजिए या बटर पेपर लीजिए या फिर आप फॉइल पेपर होता है वो भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप प्लास्टिक पर भी कर सकते हो। ओके,
हमेशा जब भी आप कोन को कट करें एकदम बारीक पीस कट करें, बिल्कुल बारीक। आप जब व्हिपिंग क्रीम या क्रीम से भी कोई काम करते हैं तो उसको छोटा ही कट कीजिए। आप प्रेशर करोगे तो ऑटोमेटिकली है ना, उसमें से ज़्यादा सा आपको अगर बड़ा चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए, ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। लेकिन अगर आप एक साथ ही बड़ा सा कट कर दोगे तब आप उसको वापस छोटा नहीं कर सकते, आपको कोन चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से छोटा सा मैं कट कर लूँगी। ओके, लेट्स सी, इसे बहुत ही छोटा है, वापस से और थोड़ा सा कट कर रही हूँ मैं। नाउ देखिए परफेक्ट ऐसे आ रहा है, ये देखो नज़र आ रहा है आप लोगों को। अगर परफेक्ट नहीं नज़र आ रहा है तो प्लीज़ बोलिए, मैं कैमरा नज़दीक कर लूँगी। सो इस तरह से आप चोको चिप्स को ड्रॉप करोगे, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा छोटा, आपकी मर्ज़ी है। ओके, इस तरह से आप बहुत जल्दी आगे से स्टिफ होने लगता है। किसी को कुछ पूछना है चॉकलेट मेल्ट करने में या कुछ भी, आप ये चोको चिप्स जो है देखिए इस तरह थोड़ा सा सूख जाएगा ना, फिर आप इसको इस तरह से कर लीजिए तो ये हो जाएगा। क्लियर नहीं है? देखिए ये अभी डॉट्स, आप अगर इसको चाहोगे ना कि मैं ऐसे पॉइंट अभी बनाऊं तो नहीं बन पाएगा। आप इसको पेपर पे डाल दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ये स्टिप हो रहा है उस टाइम पे आप इसे यूं करिए तो इसका पीक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो ये एकदम आपको शॉप जैसी लगेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसको घर पर बनाया है, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अच्छे से आ गया, यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी डाला है। तो यहाँ पे मैं और डाल देती हूँ, ओके। बाद में इसे हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे, ऊपर लेंगे तो ये इसके जो पॉइंट्स से वो ऊपर आने लगेंगे और बिल्कुल आपको जो शॉप्स की होती है वैसी नज़र आएगी। एक लाइन और कर लेते हैं और फिर किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? परा देखो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कलरफुल चाहिए तो आप इसमें कलर भी मिक्स करके, वाइट कलर में मिक्स करके कर सकते हो, बट आपको पाउडर कलर जो चॉकलेट का परफेक्ट कलर होता है, चॉकलेट के लिए स्पेशली होता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप इसमें लिक्विड कलर या जेल कलर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो चॉकलेट के लिए नहीं होते हैं, उससे आपकी चॉकलेट कर्डल हो जाएगी, सो वो मत यूज़ कीजिए। पीक के लिए जस्ट एक मिनट, ये थोड़े से, ये देखिए ये हो गया, यहाँ तक के ले लिया। अब देखिए ये थोड़े से स्टिफ हो गए, आप इसके बीच में ऐसे उठाइए और ऊपर करिए, देखिए पीक आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है पीक? देखो क्लियर आ रहा है नज़र, राइट? ये देखिए थोड़ा सा स्टिफ हो गया है, फिर आपको ऊपर करना है इसको, थोड़ा सा स्टिफ होने दीजिए, मतलब आप डालते ही सोचोगे कि आ जाए तो नहीं होगा, थोड़ा सा स्टिफ होगा तब आप। अभी ये अभी मैंने एक डॉट अभी डाला समझ लीजिए, और मैं इसको अगर स्टिफ कर पिक करना चाहूँगी तो मेरी बहुत मेहनत जाएगी। वही अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटल होने के बाद, थोड़ा स्टिफ होने के बाद अगर इसको पॉइंट करती हूँ तो फ़ौरन आ जाएगी, और वाइट चॉकलेट
हमेशा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। देखिए आपको स्टिप नज़र आ रही है टिप अभी, ओके ये सारे फ्लैट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये थोड़ा स्टिफ हो गया है तो इसे इस तरह से आप खींचोगे। बस आपको डालना नहीं है कुछ भी, सिर्फ आप इसको नॉर्मल टूथपिक से भी, या फिर ये अभी ये वाला मेरा यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं ये वाले से बता देती हूँ आपको, इस तरह से आप कर लोगे। ये देखिए ये मेरा ब्राउन वाला है डार्क चॉकलेट का, और इसे मैंने अभी ओपन ही नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही करना है आपको। देखिए कितने अच्छे से पीक आ रही है, राइट। देखिए अब अगर ये आप, मैं अभी अभी यहाँ अगर डालती हूँ, सी अगर मैंने ये अभी अभी डाला और मैं सोचूंगी इसकी पीक आ जाए तो नहीं आएगी, क्योंकि ये एकदम ही मेल्टेड चॉकलेट है, लेकिन इसकी आ जाएगी क्योंकि इसको टाइम हो गया, राइट। देखिए कितनी ब्यूटीफुल आ रही है, देखिए परफेक्ट एकदम। आपको शॉप से लाने की ज़रूरत ही क्या है, बस थोड़ी सी तसल्ली से काम करने की ज़रूरत है और ये परफेक्टली आप कर पाओगे। सी सबको नज़र आ रहा है परफेक्ट है या नहीं है, ओके अब मैं इसी तरह क्लोज रखते हुए आपको चॉकलेट वाला बताती हूँ। सो ये चॉकलेट वाला है, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कितना, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। मेरा जो छोटा बेटा है फहद, वो इस कैमरे को पकड़ कर खड़ा है ताकि आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह और क्लोज देख पाएँ। सो ये बहुत ही, देखिए इतनी छोटी सी टिप मैंने काटी है, ठीक। अब इसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा सा और टिप कट कर देती हूँ मैं। छोटा सा पैकेट आप मार्केट में लेने जाओगे ना, आपको ये 40 रुपीज़ में मिलता है, एंड देन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है ना। वाइट वाला थोड़ा सा ट्रिकी रहता है और ये बहुत ही इजी होता है चॉकलेट वाला डार्क कंपाउंड वाला। सो इसे मैं इस तरह फटाफट डाल रही हूँ और फिर हम इसे पीक देंगे। अगर आप थोड़ी सी स्टिप कर लेते हो चॉकलेट तब पीक यू भी आ जाती है। देखिए अभी थोड़ी सी स्टिप हो गई है चॉकलेट और अपने आप जो है वो पीक आ जाएगी। सी थोड़ी सी स्टिप हो गई है चॉकलेट, राइट, तो पीक अपने आप आ जाएगी। दिस ओके चॉकलेट स्टिप है, पीक अपने आप देखिए आ जा रही है। फिर भी अगर आपको और चाहिए, जैसे वहाँ से आप शॉप से लेते हो और आती है, तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ और फिर हम लोग करेंगे मार्बल इफ़ेक्ट वाला, ओके। सो ये देखिए इस तरह से आप करिए, यूँ उठाइए, पीक आ गई आपकी। ये अभी और ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा और होने दीजिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ आप मार्बल इफ़ेक्ट का कैसे करोगे। तो अभी मार्बल इफ़ेक्ट के लिए मैं अपना यही पाइपिंग बैग यूज़ कर लेती हूँ। पाइपिंग बैग लिया मैंने, इसमें इस तरह से इसे यही वाले कोन यूज़ कर रही हूँ मैं। पाइपिंग बैग में मैं एक साथ इस तरह से रखूँगी इसके दोनों पॉइंट्स, दोनों के ऐसे पॉइंट्स रखेंगे, ओके। इसे भी यहाँ से मैं कट कर लूँगी और इसके दोनों इस तरह से पॉइंट रखते हुए पाइपिंग बैग में हम इसे इस तरह से डाल देंगे, ओके, ठीक है। अब पाइपिंग बैग को हम कट करेंगे और बहुत ही कम कट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा शुरू में कम आएगा ज़्यादा आएगा और ये ठीक ठीक आ ही जाएगा। सो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, मेरा वाइट वाला जो है बहुत ज़्यादा नीचे है चॉकलेट और डार्क ऊपर हो गया है।
से आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्बल इफेक्ट में ही आ रहा है। आप इस तरह गोल घुमाते हुए भी ले सकते हो, थोड़ा ऐसे कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। सी ओके, सो अब इसको वापस से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा जो वाइट चॉकलेट एक्चुअली आगे से स्टिप हो गई है, तो थोड़ी उसे रिमूव कर लेंगे। तो ये अभी चॉकलेट थोड़ी स्टिफ हो गई है, आप इसी तरह से इसे बना सकते हो। राइट, सो ये रेडी हो गए हैं आपके वाइट, ये ब्राउन डार्क चॉकलेट और ये आपके मार्बल इफेक्ट। इसी तरह आप कलर डालकर भी यूज़ कर सकते हो, आपके कलरफुल जो है वो ये रेडी हो जाएंगे। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है चॉकलेट मेल्ट करने के लिए या फिर कुछ भी अगर ऐसे है तो बताइए। सो इसको अगर देखिए, आपको टिप निकालनी है तो अब ये काफ़ी स्टिप हो गई है और इसकी भी टिप आ जाएगी इस तरह। राइट, सो ये मार्बल इफेक्ट में बहुत ही प्यारी लगती है ये चॉकलेट, ये इस तरह से आ जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स चलते हैं, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम 4 o'clock विद अ न्यू थीम, और इसी तरह रोज़ कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आपके काम का ही होगा। हाँ, आप लोग कभी बनाते हैं चोको चिप्स या कुछ भी तो प्लीज़ हमें टैग कीजिए। और थैंक्स ऑल ऑफ यू, अभी मेरे पास बहुत कम फॉलोअर्स हैं और इसलिए कम लोग आ रहे हैं, बट आई होप आप लोग अगर साथ दोगे तो ज़रूर 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 हमारा चैनल ग्रो करेगा और आपको भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। सो प्लीज़ आप लोग ग्रो, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और आप जो भी चीज़ें बनाते हैं उसे प्लीज़ हमें टैग कीजिए। ओके,